ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अगस्त 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर, और देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लोगों के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। जी हाँ, ब्लेसिंग्स की ही पहले हम बात करेंगे। ओ गणेश जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो सेजिटेरियस आपके लिए एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। साथ में माता सरस्वती भी हैं। रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, ओके, तो रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, अड़चने आ रही थी, फाइनली वो दूर होने वाली हैं। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। हैप्पीनेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी प्लस फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। तो फिजिकली फिट आप महसूस करेंगे, मेंटली ऑल्सो यू विल फील हैप्पी, स्ट्रांग, पीसफुल, और सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर्स। अगर कुछ नया सेटअप करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, तो आई थिंक उसके लिए भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं भगवान श्री गणेश जी की तरफ से, ओके। एंड आप उनको मिठाई ऑफर कर सकते हैं, फ्रूट ऑफर कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। और जो लोग, देखिए भगवान एक है, मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि भगवान एक है, रूप अनेक है। जिस भी रूप में मतलब आप उनको मानते हैं, अल्लाह के रूप में, जीसस के रूप में, जैसे भी आप मानते हैं, बस ये सोचिए कि उनकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। एंड ऑल द ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम योर लाइफ विल बी रिमूव्ड। चलिए अब आगे बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप ऑफ कोर्स, कि वो कैसा रहने वाला है। सो टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, जी हाँ, अगस्त मंथ क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। सो इट्स यू, सो यू आर फीलिंग हैप्पी, या हो सकता है कि यू नो रिलेशनशिप में शादी एंड दिस एंड दैट, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, ओके। और कोई पर्सन हो सकते हैं, सिंगल्स के लिए बहुत अच्छी है, दैट यू आर इन लव, फीलिंग लव, कनेक्टेड, स्ट्रॉन्ग वाइब्स दिखाई दे रही हैं, वेरी हैप्पी, और मतलब ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो अभी फ़िलहाल कोल्ड एंड डिटैच्ड हैं, वो शायद हो सकता है कम्युनिकेट नहीं कर रहे, थोड़ा होल्ड बैक कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि वो बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ओके। नाउ आउटकम क्या है, आउटकम सीम्स टू बी गुड। यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि हो सकता है एक यू नो कनेक्शन हो, बट आई थिंक टाइम लग रहा है किसी चीज़ को, टाइम, जैसे कोई टाइम ले रहा होता है यू नो, और जगलिंग, या हो सकता है कि कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे। कपल्स के लिए सीम्स टू बी गुड एनर्जी, कि हो सकता है कि कुछ आप लोगों के बीच में बात अच्छी हो सकती है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो ठीक हो सकती हैं, और आप लोग एक साथ आ सकते हैं। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है, जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए तो अच्छी चीज़ है। शायद आप सोच रहे हो, आप टाइम ले रहे हो, या आपके पार्टनर टाइम ले रहे हो, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, आई डोंट नो वाई। मतलब किसी आउटकम पे पहुंचने के लिए, जैसे कई बार पहले सोचना पड़ता है, पहले पूछना पड़ता है यू नो अपने मन से भी, क्या करें, क्या होगा, या मे बी इट्स अबाउट फैमिली एज वेल। और रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है, फाइनेंसिस एंड करियर, सो मे बी हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट कि फाइनेंसिस की वजह से कुछ चीज़ें अटकी हुई थी यू नो, मतलब शादी एंड ऑल दैट, तो वहाँ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बहुत लाइक यहाँ रिकन्साइल वाली एनर्जी, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग, हो सकता है कोई पास्ट में से है जो रिटर्न करना चाह रहा है आपकी तरफ, या आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, आई डोंट नो, वैसी वाली एनर्जी सेजिटेरियस दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि आप लोग अलग अलग रह रहे थे, ठीक है, और फाइनली यू आर गेटिंग अलॉन्ग, क्योंकि ऑब्वियसली रिकन्सिलिएशन मतलब आप ऑलरेडी किसी पर्सन को जानते हैं, या आप किसी से कनेक्टेड थे, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो दैट इज़ हैपनिंग, ओके। और फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, तो मे बी फाइनेंसिस, मैंने आपको बोला ना कि शायद हो सकता है कि इस वजह से, फाइनेंसिस की वजह से, जॉब की वजह से भी शायद अभी तक कोई आप डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, तो वो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ठीक है, थोड़ा और टाइम दीजिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन कमिंग थ्रू, हो सकता है अट्रैक्शन बहुत है शायद, या मतलब
एंजल्स कह रहे हैं अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, नेचुरली चीज़ों को अनफोल्ड होने दीजिए. ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, लाइक आपके हस्बैंड या आपके वाइफ. ओके, तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन में झिझक है, या वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या सोच रहे हैं, ठीक है, होल्डिंग बैक. एक कोल्ड सी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है. बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि आउटकम सीम्स टू बी गुड. येस, अगेन यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है यहाँ पे, या ऐसा कुछ है. और यू नो, मतलब उस वजह से शायद हो सकता है, क्योंकि जगलिंग वाली एनर्जी भी है. तो ये देखना आपको है, ठीक है, कि कैसे इसको ठीक करना है, कैसे आपको एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना है. ठीक है, वो एनर्जी सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही है. बिकॉज इट्स लाइक कि आप इस चीज़ को लेट को भी नहीं कर पा रहे हैं, कि ऑब्वियसली अगर आपके स्पाउस है कुछ, तो आप लेट को भी नहीं कर पा रहे हैं. और कमिंग विद यू नो, लाइक हो सकता है कोई इंटरफेरेंस हो या ऐसा कुछ हो, तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान. बट स्टिल कोई वर्क करना चाहता है, तो ये हमें अगस्त के लिए दिखाई दे रहा है. स्पेशली गणेश जी की ब्लेसिंग्स हैं, तो कई नई कई न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं. ऑफ कोर्स वो रिलेशनशिप में भी हो सकती है. ठीक है, चलिए, ये हो गई आपकी लव लाइफ की बात. अब हम अगर करियर की बात करें, ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर करियर, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, मनी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल पोजीशन आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं अगस्त के मंथ में. आई थिंक इट विल बी ग्रेट फॉर यू. और आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपको इंट्यूटिवली आपको लग रहा है कि यस, कुछ अच्छा होने वाला है. तो वो चीज़ आपके सामने फाइनली हो रही है, एंड यू मे गेट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स, और पॉजिटिव रहेगा आपके लिए. एंड आपका उस लाइक कहते हैं ना कि अर्जुन का ध्यान बस वो मछली की आँख पर था, तो सिमिलरली आपका भी ध्यान वही था. यू वर ऑल दिस वाइल यू वर वर्किंग ऑन दिस, आप इस चीज़ पे काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, एंड नाउ यू आर गेटिंग, फाइनली यू आर गेटिंग रिवॉर्ड्स फॉर दैट. सो इट्स अ वंडरफुल थिंग. मुझे ऐसा लगता है कि येस, आपको आगे बढ़ना चाहिए. और ऑफकोर्स यू डिज़र्व इट. फाइनेंसिस बहुत बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस. कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, कि आपकी तरफ कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है. दैट इज़ ऑल्सो गुड. चलिए और देख लेते हैं. ओके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैनिफेस्टिंग गोल्स, ये बहुत अचछा फेवरेबल पीरियड है. अगर आप कुछ अचीव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड पीरियड फॉर ऑल यू पीपल. एंड यहाँ पे एंजल्स मैन होल्डिंग अ कॉइन, दैट मीन्स कि ऑफकोर्स फाइनेंशियल प्रॉफिट है. ठीक है, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, गेटिंग अ गुड मैच एज वेल. फैमिली, अगर आप स्पेशली फीमेल हैं ना, इसको वॉच कर रहे हैं वीडियो को, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, समबड़ी यू नो, वेरी गुड लुकिंग, चार्मिंग एंड फाइनेंशियली स्टेबल ऑल्सो. ठीक है, अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, बट क्योंकि हम जनरल मैसेजेस पिक कर रहे हैं, तो इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर, योर गोल्स, एंड मोर ओवर हैप्पीनेस इन योर लाइफ. स्टेबिलिटी बेसिकली हो सकता है कि स्टेबिलिटी आए और चीज़ें ठीक हों. चलिए, बाबा की तरफ से क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ये भी देखना जरूरी है. लेट्स फाइंड आउट. सरेंडर कीजिए. बाबा कह रहे हैं सरेंडर, यू नीड टू सरेंडर. सरेंडर का मतलब होता है कि यू नो, ट्राइंग टू होल्ड ऑन, मतलब किसी चीज़ को होल्ड ऑन करके रखना. ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन. दैट मीन्स एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि भगवान के ऊपर सरेंडर कीजिए, वो जो करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे, और आपके लिए वो यू नो, वही आपके आपको आगे लेकर जाएगा. और आपके जो भी मास्टर्स हैं, गुरु हैं, एंजल्स हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करके रखिए बस. और सरेंडर ये भी होता है कि आपको फुल फेथ है उनके ऊपर, यू नो, यू हैव फुल फेथ एंड फुल ट्रस्ट इन द डिवाइन, कि जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है. ओके, लास्ट में देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन.
ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस. अपनी अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा और बढ़ावा दीजिए. इधर कहते हैं ना एक्सपैंड योर होरिजोन्स, इसका क्या मतलब होता है, चाहे वो लव लाइफ को लेके हो या करियर को लेके हो, आई थिंक यू शुड हैव दैट विजन इन माइंड. आपके माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए कि येस यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, ऐसी वाली एनर्जी होनी चाहिए. ठीक है, एक इंटेंस एनर्जी होनी चाहिए और सारी एनर्जी ग्रोथ पर फोकस कीजिए. एंजल्स कह रहे हैं कि ग्रोथ सेक्टर में फोकस कीजिए कि हाँ, मतलब लव लाइफ में भी ग्रोथ है, रिलेशनशिप में, ठीक है, करियर में भी है, ओवरऑल हैप्पीनेस, यू नो. तो ध्यान जब वहाँ जाएगा तो सब कुछ लाइफ में पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ ही आप आगे बढ़ेंगे. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी. और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.